वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। राजनीति में अपने फायदे के लिए आदमी किस हद तक गिर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल मेरठ में देखी जा सकती है, जहां राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक लोगों को करने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन है या फिर मतलब किस तरह से इसको आप मानते हैं, सही है या गलत है? देखिए, मैंने इस सिलसिले में कि किसी एक उम्मीदवार ने एक ऐसा इश्तहार अपने लिए जारी किया है कि जिसमें कुरान करीम की आयात लिखी हुई हैं, और जाहिर है कि इलेक्शन में वो इश्तहार बट रहा है। अब जाहिर है कि सबको नहीं मालूम कि इस कुरान करीम की आयात का कितना एहतराम करना चाहिए। बहुत से लोग उसको सड़कों पे फेंक देंगे, कूड़े पे डाल देंगे। तो ये कुरान करीम की बेदबी है और ये हराम है, जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस उम्मीदवार ने ऐसा किया है वो नादानी के साथ किया है। वो नहीं जानता इस बात को कि कुरान का इस्तेमाल इलेक्शन में इश्तहार के जरिए, इश्तहार में कुरान की आयत देखकर आप नहीं कर सकते। आप ये कुरान की भी तोहीन है और जाहिर है कि और उससे कोई मकसद भी हासिल नहीं होता है। जाहिर जी, खास करके एक तबके को रिझाने के लिए अगर ये कुरान शरीफ का इस्तेमाल किया गया है। हाँ हाँ, नहीं जाहिर है कि ये तो अगर कुरान की आयात लिखकर कोई शख्स अपने इश्तहार के अंदर किसी को देगा तो जाहिर है कुरान की आयात में कहीं ये तो नहीं लिखा कि वो उस उम्मीदवार को वोट दिया जाए। तो ये इस लिहाज से कुरान की आयात जो हैं वो तो अल्लाह की अजमत बयान करती हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करती हैं। आयतुल कुर्सी के अंदर जो कुछ भी कहा गया है तो वो उसका इस्तेमाल इलेक्शन के लिए करना, ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही हिमाकत की बात है, बेवकूफ़ी की बात है और कुरान करीम की बेइज्जती है। जो उम्मीदवार से मेरी दरख्वास्त है कि वो फौरन अपने इस तरह के इश्तहार को बांटने से वो रुक जाएं और वो इश्तहार तकसीम ना करें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, बताहिर है कि अगर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में मज़हब का इस्तेमाल करना या किसी ख़ास फ़िरक़े का को अपनी तरफ रागब करने के लिए उसके मज़हबी किताबों का इस्तेमाल करना, ये जो हमारा कानून है उसके भी ख़िलाफ़ है, ज़ाब्ता अख़लाक़ के भी ख़िलाफ़ है जी।